भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी रिगार्डिंग मुझे मंथ हो गया, मेरे पास बैग नहीं था। तो पर मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला नहीं कि मुझे बैग चाहिए, मुझे बैग खरीद कर दो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन पापा जी ने मुझसे बिना पूछे बैग ऑर्डर कर दिया और अभी इसकी डिलीवरी आई है। तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ बैग कैसा आया है। पापा जी करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। कैंची लेनी थी, अगर रिटर्न नहीं करना पड़ जाए फिर। रुको मैं देखा देती हूँ कैंची गाइस, कैंची मिली नहीं तो चाकू से ही कर रहे। इसका हैप्पी बर्थडे अब इसका हैप्पी ऐसे नहीं अंदर से वो ही फट जाए। तो कुछ इस इतना बड़ा बैग कितना बड़ा नहीं है देखने में लग रहा है तो मैं कोई वो कुली जो बस स्टैंड में सामान ले ढोने के लिए खड़े होते हैं। रिगार्डिंग बहुत बड़ा लग रहा है ऐसे देखने में। है तो अच्छा है, पर कितने का है? नहीं मम्मा मैं पूछ रही हूँ, महंगा तो नहीं मंगा लिया? वैसे मुझे अभी पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। लंबा बहुत है, पर देख तो पहले वाला भी लंबा ही था यार। इतना सोना चाहिए था, इतना सा बहुत लंबा है। लगा के नहीं देख इतना सोना चाहिए, लंबा नहीं है, वो भी लंबा ही था मेरे पास पहले वाला। पहन के देखा पहन के देखो देखो मम्मा चेडू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये। अच्छा लैपटॉप आ जाएगा इसमें? हाँ लैपटॉप भी आ जाएगा, दोनों में काम हो जाएंगे। लंबा बहुत है, इस कम से कम इतना सोना चाहिए था, इतना सा तो इतना थोड़ा था। फिर बोलेंगे अगली बार में छोटा बना के भेजेंगे उसका मानना नहीं होता, वो हमारे ऊपर होता है कि हमने कितना सा लेना है। अब इतना लंबा देखो। नहीं बेटा ये तो जानबूझ के मंगाया, क्योंकि चाहता कि आ जाए पानी वाली बोतल भी आ जाए, सामान आ जाए। नहीं है तो अच्छा, पर लंबा है वो, पहले वाला भी लंबा था यार। वो नहीं था, वो तो लड़की ठीक है, गुगलू ने मंगाया है ना। तो गाइज मुझे नहीं पता था मेरे लिए बैग मंगवाया गया, मुझे एकदम से सरप्राइज मिला है बैग का। तो बैग बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा लंबा काफ़ी है ना। तो फिर पहले वाला बैग मेरा बहुत लंबा था, तो मैं सोची सर छोटा सा बैग लें। तो तन मेरे को ये बैग हम दे देंगे, लेकिन उसे ये नहीं बताएंगे कि बैग मेरे लिए आया था। इसी बहाने वो बेचारा खुश हो जाएगा कि मेरे लिए बैग आया है। तो ये बैग उसको दिया जाएगा, वो मेरे लिए सेम वही मंगवाया जाएगा, पर छोटा मंगवाया जाएगा क्योंकि बहुत लंबा है ये। तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा छोटा बैग लूँ, क्योंकि मम्मा बोल रहे लंबा इसलिए लिए ताकि सामान आने वाले जाने में मतलब आसानी रहे। अब चलो सामान तो कभी कभार लेकर आएंगे, लेकिन रोज़ फिर इतना बड़ा बैग थोड़ा लेकर जाऊँगी मैं। तो ऐसा है, बैग तो बहुत अच्छा था, मुझे सरप्राइज भी बहुत अच्छा लगा। मुझे फर्स्ट टाइम सरप्राइज मिला, ऐसे भी छोटे मोटे सरप्राइज तो मिलते रहते हैं सभी को ही, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बिना बोले बैग मिला। और थैंक यू सो मच माय पेरेंट्स, मेरे को मेरे बिना कुछ बोले भी मतलब बात समझ जाते हैं। मेन मोटिव तो यही है स्टोरी का कि पेरेंट्स जो होते हैं, अगर हम उन्हें कुछ भी नहीं चाहते तो भी उन्हें पता चल ही जाता है कि मेरा बच्चा जो उसको ये चाहिए ये चाहिए। तो कभी हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए कि हमें ये दे दो वो दे दो, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं ना तो वो पानी हो जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी इच्छा से देता है तो वो दूध के समान होती है वो चीज़। तो मिलते हैं अगली जल्दी नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। मेरी बातें तो खत्म होने वाली है नहीं।